ईद का शाब्दिक अर्थ सूफी किताबों में कुछ यूं मिलता है, सूफी के हृदय पर जो तजल्लियाँ वारिद होती हैं वह उसके लिए ईद है। सूफी संतों के प्रतीकों में ईद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ईद का दिन पूरे महीने रोजे रखने और ईश्वर पर भरोसा करने के बाद की खुशी का है। सूफी इस भरोसे को तवक्कुल कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला तवक्कुल, अपनी ओर से कोई साधन न जुटाकर केवल जात ही पर निर्भर रहना। वे अपने पास एक पैसा तक रखना भी अवैध समझते हैं। दूसरा तवक्कुल, अपनी ओर से साधन तो जुटाए जाएं परंतु ईश्वर पर भी भरोसा हो। सूफी संतों ने इस भरोसे को प्रार्थना की रूह कहा है। हजरत मौलाना रूमी के उपदेशों की किताब फीही मा फीही की एक मजलिस में मौलाना फरमाते हैं, हर शय जिसका नाम है उसका एक जिस्म है और उसकी रूह भी है। प्रार्थना का जिस्म सारे कर्म कांड, रोजे, नमाज आदि हैं, लेकिन प्रार्थना की रूह यकीन है। किसी जायज वजह से सारे कर्म कांडों को छोड़ा जा सकता है, पर जब तक इंसान जिंदा है तब तक यकीन का दामन नहीं छूटता है। फवायदुल फवाद में एक और शिक्षाप्रद कहानी मिलती है। लाहौर में एक आदमी थे, उनको शेख जिंदा दिल कहते थे। बहुत बुजुर्ग आदमी थे। एक दफ़ा ईद के दिन लोग नमाज पढ़कर वापस आए तो शेख ने आसमान की तरफ रुख करके कहा कि आज ईद है, हर गुलाम को अपने मालिक से ईदी मिलेगी, मुझे भी ईदी दे। जब यह बात उन्होंने कही तो रेशम का एक टुकड़ा आसमान से गिरा जिस पर लिखा था कि हमने तेरी जात को दोजख की आग से निजात दी। जब लोगों ने उसे देखा तो उनका बड़ा सम्मान किया और तबर्रुकन उनके हाथ चूमने लगे। इसी दरमियान शेख के दोस्तों में से कोई शख्स आया और उनसे कहने लगा कि तुमको तो अल्लाह से ईदी मिल गई, अब तुम मुझको ईदी दो। शेख ने सुना तो रेशम का वह टुकड़ा उसे देखकर कहा कि जाओ, यह तुम्हारी ईदी है, कल मैं जानूं और दोजख। हजरत शेख जिंदा दिल यह जानते थे कि उस महादानी के दरबार में ऐसे रेशम के कपड़ों की कोई कमी नहीं है और यही यकीन की दौलत इनकी ईदी थी। हजरत शेख सरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक मजलिस में फरमाया है, सूफिया दर दमे दो ईद गुनत, अर्थात सूफी एक सांस में दो ईद मनाता है। जब हजरत से इसका अर्थ पूछा गया तब हजरत ने फरमाया कि सबसे पहले सूफी किसी को बुरे रास्ते से बचा लेता है, यह उस व्यक्ति और सूफी की पहली ईद होती है। वहीं उसके बाद वह उसे अच्छी और सीधी राह पर डाल देता है, यह उस व्यक्ति की दूसरी ईद होती है। इस बारे में एक और कहानी मिलती है। एक बार हजरत शेख सरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह कहीं किसी दावत से वापस लौट रहे थे। रमज़ान का महीना था। चलते चलते रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ा। जोहर की नमाज का वक्त हो चला था। उन्होंने देखा कि एक आदमी नमाज कायम कर रहा है और उसके पीछे दो तीन लोग और भी नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत ने भी वही मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्होंने महसूस किया कि पीछे से एक आदमी भागता हुआ आ रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वह आदमी जब पास आया तो उन्होंने इस तरह आने का मकसद पूछा। उस आदमी ने पहले हजरत को सलाम किया और फिर अर्ज किया, हजरत गजब हो गया, आपने जिस आदमी के पीछे नमाज पढ़ी थी वह शराब पीता है। हजरत एक पल को ठिठके और फिर जवाब दिया, दिन में नहीं पीता होगा, और आगे बढ़ गए। वह आदमी देखता रह गया। फिर उसने दोबारा हिम्मत की और भागता हुआ हजरत के पास आया। उसने अर्ज किया, हजरत वह दिन में भी शराब पीता है। हजरत ने उसकी तरफ देखा और फिर फरमाया, रमज़ान में नहीं पीता होगा। यह कहकर हजरत ने अपनी राह ली और वह आदमी भी लौट गया। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जब यह बात उस आदमी के कानों में पड़ी जो नमाज पढ़ा रहा था तो वह भागकर लोगों के पास पहुंचा। कहने लगा, यह किसने कहा? सबने हजरत का पूरा किस्सा बयान किया। वह आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने उसी पल से शराब छोड़ दी। सूफी संतों के यहाँ ईद का उल्लेख कई अर्थों में हुआ है, चाहे वह समा को साबित करने के लिए हजरत मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का बार बार वर्णन हो जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से यह फरमाया गया कि आज इन लड़कियों को गाने से मत रोको, आज इनकी ईद है, या चाहे अपने मुर्शिद के चेहरे को देखकर ईद की खुशी जाहिर करना हो। सूफी संतों ने ईद के इतने आयाम खोल दिए हैं कि एक पूरी किताब ईद और सूफियाए किराम पर लिखी जा सकती है। हजरत बेदम शाह वारसी अपने महबूब के दीद को ही ईद समझते थे।
मुझ खस्ता दिल की ईद का क्या पूछना हुजूर, जिनके गले से आप मिले उनकी ईद है। सूफी संतों ने महबूब के दीदार को शाश्वत बना लिया, उन्होंने अपने दिल में ही यार की तस्वीर बसा ली। एक सूफी कहता है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। और इस प्रकार हर लम्हा सूफी के लिए ईद का जश्न होता है। वह अपने दिल में महबूब की छवि लेकर फिरता है और उसी से शिकवे शिकायत इसरार और मोहब्बत सब करता है। पूर्णम इलाहाबादी लिखते हैं, सबसे हुए वो सीना बसीना, हमसे मिलाया खाली हाथ, ईद के दिन जो सच पूछो तो ईद मनाई लोगों ने। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सरकार कहते हैं, ऐ ईद रोज़गार निहा कुन रुख चुमा, बर आशिकाना ए ख्वाहिश मकुन रोजह रा हराम। ऐ ज़माने की ईद, अपना चांद जैसा चेहरा छुपा लो और अपने आशिकों पर रोज़ा हराम न करो। महबूब का आना, महबूब का दर्शन, महबूब की बातें, सब सूफी के लिए ईद है। इब्राहिम आजिज लिखते हैं, ईद से भी कहीं बढ़कर है खुशी आलम में, जब से मशहूर हुई ये खबर आमदे यार। धीरे धीरे ईद के आयाम और गहरे हो गए, सूफी खुद महबूब बन गया। यहाँ से बातिन का सफ़र शुरू हुआ, रंग खुद रंगरेज बना जाता है। सूफी संतों के यहाँ हिज्र की भी उतनी ही लज्जत है जितनी विसाल की। सूफी ऐसा मानते हैं कि जब तक जुदाई की सच्ची पीड़ा का अनुभव ना किया जाए, तब तक विसाल की खुशी का भी अनुभव नहीं किया जा सकता। सूफी ईश्वर से दूरी के विरह में आंसू बहाता है और विरह के गीत गाता है। वह अपने आप को सबसे कमतर जानता है और लोगों से अपने दिल का दर्द बांटना है। हजरत औघर शाह वारसी लिखते हैं, कहे आ ओ फुगा फोड़े फफोले, इस तरह दिल के इरादा है कि रोवे ईद के दिन भी गले मिलके। कुल मिलाकर दूसरों का दर्द को अपना दर्द समझना और दिल से सांसारिक इच्छाओं को निकालकर उसमें ईश्वर को स्थापित करने की खुशी ही सूफी संतों की ईद है। सैफी सरौंजी ने बहुत खूब लिखा है, अपनी खुशियाँ भूल जा, सबका दर्द खरीद, सैफी तब जाकर कहीं तेरी होगी ईद। पूरे भारत की खानकाहों में ईद का जश्न बड़ी धूम से मनाया जाता था। जौनपुर को इब्राहिम शाह सरकी के शासनकाल में सराज हिंद भी कहा जाता था। कहते हैं, ईद और दूसरे अवसरों पर सूफियों की 1400 पालकियां निकलती थीं और लोग दूर दूर से देखने आते थे। दिल्ली के अलावा और किसी दूसरे शहरों में सूफियों का इतना बड़ा जमावड़ा नहीं देखने मिलता था। आज भी सूफी खानकाहों में ईद अपनी उसी ध्वज के साथ मनाई जाती है। आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद।